जम्मू कश्मीर के वर्ल्ड फेमस डल के किनारे पर हम हैं और जो नज़ारे इस डल के हर विंटर में हुआ करते थे इस बार नहीं है। कोरोना के चलते डल में आने वाले सैलानी या फिर जम्मू कश्मीर आने वाले जितने भी सैलानी हैं इस बार कोई भी जम्मू कश्मीर नहीं आए हैं। अगर आप जून से लेकर अभी तक की बात करें तो महज 6000 लोग जम्मू कश्मीर आ चुके हैं, 6000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर का रुख कर चुके हैं, जो एक एवरेज नंबर नहीं है, क्योंकि हर बार जून से लेकर दिसंबर तक लगभग 15 से 20 लाख लोग जम्मू कश्मीर विजिट करते थे। इस बार 0.1% भी जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं आए हैं। वजह कोविड-19 का लॉकडाउन है। अब इस लॉकडाउन के चलते जहाँ एक तरफ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर नहीं आ रहे हैं, ये जो आप हमारे पीछे हाउस बोट्स देख रहे हैं, इस डल में चलने वाले शिकारे देख रहे हैं, इनके ओनर्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। सरकार की तरफ से मिले महज 1000 रुपये महाना जो इनके लिए रिलीफ है वो इनके लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि इन हाउस बोट्स और शिकारास की साल की मेंटेनेंस ही लगभग 1,00,000 रुपये की है। अब ऐसे में जहाँ एक साल से इन्होंने कोई काम नहीं किया, सरकार इनके लिए और क्या लेकर आ सकती है एक पैकेज के सिवाय? सरकार से ये क्या मांग सकते हैं थोड़ी मदद के सिवाय, जिसके लिए सरकार शायद तैयार नहीं है। पिछले एक साल से दो बार बताया गया है कि इनके लिए पैकेज लाया जाएगा, एक बार तो 1000 रुपये दिए गए, अगली बार कोई भी पैकेज इनके लिए अनाउंस नहीं किया गया। बताया गया कि एक सिर्फ शुरुआत है, आगे भी मदद करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में इनको थोड़ी सी कंपनसेशन मिली, लेकिन वो भी काफ़ी इन लोगों के लिए नहीं है। जम्मू कश्मीर का टूरिज्म जो बुरी तरह से हिट हो चुका है, इसे सिर्फ दो लोग बचा सकते हैं। या तो आप जम्मू कश्मीर विजिट करके, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोविड-19 दोबारा से पीक पकड़ने लगा है हिंदुस्तान के अंदर। अब दूसरा जो शख्स है वो है सरकारी जो प्रतिनिधि हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो बचा सकते हैं इन्हें इस आपातकालीन स्थिति से, वो इन्हें बचा सकते हैं पूरे श्रिंक होने से, इस डल में डूब जाने से। जम्मू कश्मीर के इस टूरिज्म को क्या रिवाइव कर पाएगी सरकार, ये एक बड़ा सवाल है। ये इंडस्ट्री जो पिछले एक साल में करोड़ों का नुकसान सह चुकी है, क्या उसे दोबारा से खड़ा कर पाएगी सरकार, ये एक सवाल है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मंजूर अहमद है, मैं हाउस बोट इंडस्ट्री और टूर ऑपरेटर हूँ और करीबन इस काम से मैं जुड़ा हुआ हूँ बचपन से ही, और एट द सेम टाइम इस इंडस्ट्री से मेरे जनरेशन वाबस्ता है। टूरिस्ट की बात करेंगे, अराइवल्स की बात करेंगे, पिछले एक साल में क्या देखने को मिला है, क्योंकि दो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए, सबसे पहले तो प्रोग्रेशन लॉकडाउन, उसके बाद अब कोविड का लॉकडाउन, क्या रिस्पॉन्स है टूरिस्ट्स का, लोग आ रहे हैं या नहीं, क्या मार्केट का भी हालत है? देखिए, अगर हम टूरिस्ट की बात करेंगे हैं, रिसेंटली मैंने एक स्टेटमेंट देखा था गवर्नमेंट की तरफ से, अभी तक शायद पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ 370 जो हुआ है, अभी तक हाल ही शायद 10,000 टूरिस्ट, 10 से 15,000 के टूरिस्ट तब से लेके अभी तक आ रहे हैं, जिसका हम ये मान के चले कि पूरे 1.5 साल अभी होने को हैं, 1.5 साल में इतना टूरिस्ट आ चुका है। और जहाँ तक अब हम आज की बात करेंगे, आज के हम जो अराइवल्स देखेंगे वो ना आने के बराबर हैं, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री को देखेंगे, पूरी टूरिज़्म इंडस्ट्री जो कश्मीर की बात करेंगे, तो उसमें हमें नियरली जो हमारे अगर हाउस बोट्स की बात की जाएगी तो 920 हाउस बोट्स है, होटल्स को छोड़ के जिनकी रूम कैपेसिटी है नियरली 5000, उसको अगर हम देखेंगे एक प्रैक्टिकल सेंस में, तो रोज़ अगर हमें 10 या 20 टूरिस्ट आते हैं तो उनका किसका पेट भरेगा। और बदकिस्मती की बात है कि गवर्नमेंट जो हम इतने दावे कर रही है कि हम इतना कुछ कर रही हैं, प्रमोशंस हो रही हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड हमें ये असिस्टेंस होनी चाहिए कि हमारे जो हाउस बोट्स हैं वो किस तरह हम बचा पाएंगे। हमारे हाउस बोट्स हैं जिनको ईयरली एक रिपेयर की ज़रूरत होती है, जो बॉटम होता है उसको करीबन 1,00,000 रुपये, जो बड़ा हाउस बोट होता है उसको 1,00,000 से 1.5 लाख रुपये तक आ जाता है खर्चा, और जो हाउस बीच का हाउस बोट है जिसका हम BSC कैटेगरी मानते हैं उसको करीबन 50 से 1.25 लाख रुपये तक का खर्चा, बल्कि उससे भी ऊपर आजकल आ रहा है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, बल्कि हम लगातार बयान में आ रहे हैं कि जो हम डिमांड्स है हमारी, हमारे फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो फाइनेंशियल पैकेज है वो जल्द से जल्द हमारे लिए अनाउंस किया जाए। गवर्नमेंट कह रही है कि बहुत कुछ किया है, बिल्स में रिडक्शन दिया है, कुछ पैकेजेस दिए हैं, क्या है उसके बारे में? देखिए, अगर हम पैकेज की बात करेंगे ये तो हंसने वाली बात है। आप पैकेजेस की बात कर रहे हैं तो हमें अभी तक 3 महीने का 1,000 रुपीज़ पर मंथ मिला है। तो जहाँ तक हम अपने हाउस बोट की कैपेसिटी की बात करेंगे, हमारे हाउस बोट की कैपेसिटी है नियरली 5 रूम्स। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं, ये तो मजाक के सिवा और कुछ नहीं है। ये बदकिस्मती की बात है कि गवर्नमेंट को जितना हमारे लिए करना चाहिए नहीं कर रही है। जहाँ तक हम देखेंगे दूसरे
सेक्टर्स को देखेंगे वहाँ पे इनका बहुत बड़ा हाथ लग रहा है। लेकिन जो हमारा हाउस बोट है, जो खाली जॉब क्रिएटर है, आज तक हमने इनसे कोई भी पैसा या कुछ भी नहीं लिया है। बल्कि हम यहाँ पे अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, हमें आज तक एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया, बल्कि हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है गवर्नमेंट को। हमने हमारे हाउस बोट से इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं कि आपको खुद अंदाज़ा होगा, क्योंकि आप भी एक जीअजत माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप खुद बता सकते हैं कि हमारे साथ कैसा एक तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट, जो हम मोदी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जल्द से जल्द एक फाइनेंशियल पैकेज का अजाला किया जाए, हमारे हक़ में अनाउंस किया जाए, ताकि हम भी अपने इस हाउस बोट को और हमारी जो फैमिलीज़ है उसको सर्वाइव करें। मदद का कोई एक भी पर्सन कोई मदद नहीं है, कहीं से भी कोई भी मदद नहीं है, किसी चीज़ का हाउस बोट ओनर का कोई भी कोई मदद नहीं है। मैंने आपको इससे पहले भी बोल दिया कि गवर्नमेंट ने खाली 1,000 रुपया दे दिया है एक हाउस बोट ओनर के ओनर को, और वो इट इज़ नथिंग। और किस कहीं से भी किधर से भी कोई मदद नहीं अभी तक आ गया हाउस बोट ओनर के लिए। बस अभी वो सब वेट कर रहा है कि शायद गवर्नमेंट को कम से कम रियलाइज़ करेगा कि नहीं भाई, ये कम्युनिटी जो है ये दिन ब दिन डेड हो जाता है, तो चलो हम भी कोई इनका हेल्प कर लेगा, कोई मदद कर लेगा। लेकिन आज तक इनको कोई ना हेल्प मिल गया है, न कोई मदद मिल गया है। बस वी आर जस्ट सर्वाइविंग लाइक जस्ट लाइक दैट। मदद यही हो गया, 1,000 रुपया दे दिया है, यही मदद था। आप देख लो कि आप रिलाइज करो कि 1,000 रुपया में 1,000 रुपया का एक हाउस बोट ओनर, एक हाउस बोट 1,000 रुपये को क्या करेगा। पहले हमने हाउस बोट ओनर ने पहले कम्प्लीटली रिफ्यूज़ ही किया था कि भाई ये तो कोई जोक है, 1,000 रुपया का क्या करना है, व्हाट इज़ दिस। लेकिन यही है कि रिलीफ अभी मिल गया है एक हाउस बोट ओनर को, 1,000 रुपया है, और 3 महीने या 4 महीने का अभी 3,000 रुपया एक हाउस बोट को मिल गया है। वो कम्प्लीटली क्रैश हो गया, कम्प्लीट 370 जब वो वेकेट की सरकार ने किया है, और हाउस बोटों से जितना भी टूरिस्ट था उनको निकाल दिया, ज़बरदस्ती निकाल दिया, होटलों से निकाल दिया, पूरा कम्प्लीटली वॉश्ड अप हो गया। उस वक्त से इस वक्त तक टूरिस्ट का कम्प्लीटली डिज़ास्टर है, टूरिस्ट बिल्कुल कोई नहीं है, कम्प्लीटली कश्मीरी एम्प्टी। जितना भी यहाँ पर रश होता था इस वक्त गुलमर्ग, पहलगाम, जितना भी यहाँ पर साइट सीइंग जगह है जाने के लिए टूरिस्ट आता था, एंजॉय करता था, लेकिन ये 370 के बाद में यहाँ पर सब कुछ क्रैश हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, बिजनेस भी ख़त्म हो गया। हाउस बोट ओनर का ही नहीं है, वो होटल का भी है, ट्रांसपोर्टर का भी है, हैंडीक्राफ्ट वाला का, जितना भी है यहाँ पर कश्मीर में टूरिस्ट के साथ में वो जो मतलब अटैच है, वो सब कम्प्लीटली क्रैश हो गया है। ये शिकारा वाला यहाँ पर मतलब ये क्या जिस शिकारा पीपल है, इनके पास खुदा के नाम के बगैर और कुछ है ही नहीं, नथिंग। जब ये सवारी लेगा 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया सुबह से शाम तक वेट कर रहा है, नथिंग, खाली ऐसे ही बैठा हुआ है, बस जो भी उनके पास सेविंग है वही ख़त्म करता है। 1,000 रुपया या 1,500 रुपया उनको गवर्नमेंट ने दे दिया है और बिल्कुल कुछ नहीं, कम्प्लीटली है डेड है, कम्प्लीटली डेड है, कोई मतलब कोई सिस्टम नहीं है। और गवर्नमेंट थोड़ा सा भी रियलाइज़ नहीं करके ये भी एक इंडस्ट्री है, ये भी कम से कम ह्यूमन है, ये भी कम से कम यहाँ पर रहने के, इस मुल्क का रहने वाला है, कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट को कम से कम ये रियलाइज़ करने का कि कम से कम हम इनको हेल्प करेगा। अगर हिंदुस्तान में कहीं पर भी किधर भी कहीं डिज़ास्टर होता है, ज़मींदारों के साथ कोई प्रॉब्लम होता है, तो उनको एकदम कोई ना कोई रिलीफ मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पर इस इंडस्ट्री में कोई रिलीफ अभी तक नहीं मिल गया है। और वी आर जस्ट वेटिंग कि कोई कम से कम कुछ रिलीफ हमको मिल जाएगा, क्योंकि हम भी कम से कम कुछ सवाल करेगा। चलो इंशाल्लाह हम यही दुआ करेगा अल्लाह से, ये जो अभी डिज़ास्टर चल रहा है कोरोना का, अल्लाह ताला हमको इस वबा से नजात दे देगा, पूरा दुनिया के लोगों को नजात दे देगा, हिंदुस्तान के लोगों को नजात देगा, कश्मीर के लोगों को नजात मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से फिर टूरिस्ट आएगा और ये फिर हमारा ये कश्मीर फलेगा और फूलेगा, यही हम दुआ अल्लाह से करेगा। मैं अमजद खान और बाहू एक्सप्रेस की पूरी टीम आपसे इजाज़त चाहेगी, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू।